तो यहाँ जाम लग रहा है, देखिए इसके बारे में बताइए क्या मामला है। तो पूरे भारत में नजर आज सफल है और आगे को भी पता है। सत्रह तारीख की 10 महीने से किसान पड़े हैं, उनकी बात मान सत्रह तारीख की तो पूरे भारत सरकार के रेली नहीं रेला ही होना चाहिए। सब जगह जा रहे हैं, सब जगह सब किसानों ने भी अपना काम बंद कर लिया है। अब क्या क्या मांगे, कब तक जाम लग रहा है? मांग तो वहाँ पूरा पत्र दे रखा हो ना, ये तीन कानून बनाए इन्होंने जो किसानों के खिलाफ है, जब आप इसमें MSP पर लागू करें कानून को, इससे कम पर फसल अब धान का भाव जो है बढ़े वो ऐसे आदमी को तो गिर जाएगा थोड़ा बहुत धान, बाकी तो मत नहीं गिरेंगे सर। अब जो भाव सरकार निकाल रही है उसकी लेने की तो गारंटी दे, मुझसे मंदा को खरीद दे उसे जेल में भेज। अभी सरकार ने गन्ना मूल्य में वृद्धि भी की, वृद्धि करी थी कुछ भी, उन्होंने पंजाब ने 50 बढ़ाए 60 कर दिया, हरियाणा ने 12 बढ़ाए 62 कर दिया, इनका 50 ही बैठ रहा, धोरे दो राज्य हैं उनसे उनसे तो नीचे रह गए। वो इतना तो करते कम से कम हरियाणा से ऊपर 65-40 बढ़ाते हैं तो 65 हो जाता, तो ये ऊपर हो जाते 2 रुपये, वरना इनकी वो बात है नहीं। अब ये बढ़ाने के ना इनकी दोबारा आएगी तो फिर तक लगा रहेगा जाम, कब तक रहेगा? तो चल रहा है अभी 3 बजे ये आज जो लगा है जाम, वो ये है जाम 4 बजे तक चलेगा, आप लेट भी चल जाएगा, जल्दी भी कर देंगे, पब्लिक कोई परेशानी नहीं होगी। जाम लगाना कोई अच्छी बात ना, पर मजबूरी में लगाना पड़ेगा। आज जो है जाम लग रहा है, गुरमित भाई इसके बारे में बताइए क्या मामला? ये संयुक्त मोर्चे का आह्वान है, आज सांकेतिक जाम है 2-3 घंटे का। असल में आज हमें 10 महीने पूरे हो चुके हैं इस आंदोलन को चलते चलते, तो इसलिए जाम लगाया गया है। और बाकी ऊपर से जो रूपरेखा तैयार होती है उसे क्षेत्रीय जो किसान नेता है वो पालन करते हैं। हमें यही आदेश था कि आज सांकेतिक जाम लगाया गया। अब जाम कब तक लगा रहे हैं? जाम जब तक लगा रहेगा जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता इधर खोलने। अभी जो है सरकार ने गन्ना मूल्य में वृद्धि करी है। हाँ बिल्कुल सही बात है, गन्ना मूल्य में वृद्धि करी है सरकार। पिछले 4-5 साल से कहाँ सो रही थी, जब चुनावी साल आया है तो 25 रुपये बढ़ाए गए, किसानों को लुभाने का काम कर रही है। ये तो देख लो, किसानों के पेस्टिसाइड, किसानों का डीजल, किसानों के घर गैस का सिलेंडर, किसान के लिए कितनी महंगाई बढ़ गई है। तो हमें 25 रुपये का लॉलीपॉप देना चाह रहे हैं? इसे तो ये सोचना चाहिए था योगी जी को कि 362-360 रुपये हरियाणा पंजाब में पहले से ही ऑलरेडी रेट है, तो ये तीसरे नंबर पर क्यों आ रहे हैं? इन्हें तो 360 से ऊपर रेट करना चाहिए था।